रही आज की ताजा खबरों पर। आगरा क्षेत्र के नंदिनी शिक्षा एवं जन कल्याण समिति मड़ैया मनसा व रामजी लाल इंटर कॉलेज धीमिश्री के द्वारा क्षेत्र के 50 गांव में असहाय निर्धन गरीब बेसहारा लोगों को लगभग 200 से अधिक आटे के पैकेट घर घर जाकर बांटे गए हैं, जो कोविड-19 के द्वारा चल रही संक्रमित महामारी के द्वारा जिनको पेट भरने के लिए घर पर रखी सामग्री से अब तक पेट का गुजारा हो तो गया, लेकिन अब पेट भरने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। तभी इन गरीबों का दर्द नंदिनी शिक्षा एवं जन कल्याण समिति व रामजी लाल इंटर कॉलेज की प्रबंधक विजय प्रकाश लवानिया, प्रधानाचार्य अशोक कुमार लवानिया ने दर्द समझा और हर गांव-गांव जाकर सभी बेसहारा लोगों को 10 किलो आटा व खाद्य सामग्री 200 परिवारों तक मुहैया कराई है। यह तरह धीमिश्री क्षेत्र में खाद्य सामग्री व आटे के पैकेट घर घर तक पहुंचाने से हर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई है। हर फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर हर गरीब अशोक कुमार लावानिया विजय प्रकाश लावानिया को गरीबों के भगवान कह रहे हैं, जो इस क्षेत्र की घड़ी में हर संभव मदद करने को तैयार है। वही भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य सुशील शर्मा, पुन्ना राम कुशवाहा, धर्मेंद्र लावनिया, गजेंद्र कुशवाहा, प्रभाकर आज लोगों ने सहयोग देकर हर गरीब के घर घर जाकर निशुल्क आटे व खाद्य सामग्री की मदद की है। वही रामजी लाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार लावनिया व सुशील कुमार शर्मा ने जन संदेश देते हुए कहा कि हमें संक्रमित बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। घर से बाहर न निकलने, एक दूसरे का सहयोग कर मदद करें तथा बड़े बड़े थोक विक्रेता व राशन डीलर कालाबाजारी ना करें। हर गरीब की मदद करें, बस इतना हमारा सहयोग ही काफी है। बाकी सरकार हर संभव मदद कर रही है। आगरा ग्रामीण, आगरा से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। सुशील शर्मा, क्या आज गरीब लोगों को आटा वितरण किया गया है? आ जाओ। बड़ा ही इस समय देश पर संकट का विषय है। इस संकट से निजात दिलाने के लिए हमारी तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी प्रकार आज धीमिश्री में रामजीलाल इंटर कॉलेज जो संस्था है, उसने आज जरूरतमंदों को आगे आकर निकलकर इतनी सहायता की कि कहीं भी कोई भी हमारे क्षेत्र में अपने विद्यालय के माध्यम से शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। अपने स्टाफ को पूरा ये बताकर कहाँ कौन गरीब है, गरीब तबके का जो आदमी है उसको ही ये सहायता मिले, उसके लिए एक लिस्ट तैयार करें। उस लिस्ट तैयार कर आज विद्यालय के माध्यम से, प्रधानाचार्य महोदय के माध्यम से, निराश जो भी लोग हैं इन पर कोई काम धंधा इस समय नहीं है। भारतवर्ष क्या पूरा विश्व इस समय इस महामारी से पीड़ित है। किसी भी तरीके से इससे निजात दिलाने के लिए जो भामाशाह के रूप में निकल कर आ रहे हैं, तमाम समाज सेवी संस्थाएं आ रही है, मैं उन संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से हमारा देश इस समय इस बीमारी से पूरा पीड़ित होने के कगार पर था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया लॉकडाउन कर वो सराहनीय है। हम लोगों को अपने घरों में रहकर और अपनी सुरक्षा कर अपनी सुरक्षा होगी, अपनी जान है तो जान है, अन्यथा बहुत बड़ा महामारी इसको रूप ले सकती थी, लेकिन समय रहते हुए निर्णय लिया गया है। आप सभी से मैं इतना निवेदन करता हूं, अपने घरों पर रहकर जो भी ज़रूरत की समस्याएं, जैसे यहां पर धीमिश्री क्षेत्र है, इसमें तमाम संस्थाएं रामजीलाल इंटर कॉलेज जो सामने आई है, वो संस्था ने कहा है किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो उनके माध्यम से उनका फोन नंबर वो सब उपलब्ध करा दिए गए। आज जो भी लोग परेशान उनको आटे के पैकेट, जरूरत के सामान जैसे जो भी मिर्च मसाला जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई है, और जिससे क्षेत्रों के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम है, हम बहुत परेशान हैं और ऐसे समय में जो हमारे साथ आए हैं उनका हम क्षेत्र के लोग, गरीब लोग भी दुआएं देंगे कि निरंतर ये संस्था भी आगे बढ़ती है। आज 3 अप्रैल को रामजीलाल इंटर कॉलेज के द्वारा गरीब जरूरतमंद एवं असहाय निर्धन लोगों को आटे के पैकेट दिए गए हैं, क्योंकि इस समय पर पूरा भारत लॉकडाउन है, सब लोग अपना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
उसको देखते हुए गरीबों, कोई भी गरीब बिना खाने के भूखे पेट न सोए, इसको लेकर के आज रामजीलाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार लवानिया जी के द्वारा लगभग 50 गांव के 200 से ज़्यादा गरीब लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में ऐसा भाव किस लिए आया, क्या मामला है? अशोक कुमार कौन से रामजीलाल इंटर कॉलेज इसकी जो संचालित करने वाली है नंदिनी शिक्षण संस्थान समिति है, जो इस विद्यालय का संचालन करती है। हमारे छोटेपन से ही हमारे ये विचार थे कि जब भी कभी थोड़ा पे बहुत पैसा कमाया तो समाज की सेवा करनी है, और मुझे ईश्वर ने मौका दिया है कि ऐसा अवसर प्रदान हुआ है कि मुझे पैसा स्कूल के माध्यम से थोड़ा बहुत होता है, हर वर्ष समाज की सेवा के लिए कभी कम्बल वितरण कभी और चीज़ें की जाती हैं। क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश रहते हैं इस कार्यक्रम से। आज कितने के क्षेत्र के करीब 50 गांवों के लिए ये आटे की व्यवस्था की है, पैकेटों की, जो गरीब असहाय परेशान लोग हैं उनके लिए वितरण किया जा रहा है, और उनको ये वितरण से सहानुभूति हो, उनके साथ हमारी सहानुभूति है कि भूखे न रहें। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो हम उनके सहयोग के लिए आगे के लिए भी तैयार हैं, और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ क्षेत्रवासियों से कि आपके गांव में अगर कोई भूखा है या कोई परेशान है उसके लिए सहायता करें, और उसको दो वक्त की रोटी के लिए सभी लोगों से अनुरोध है कि सहायता करें। इस समय पर भारत देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस समय? पहले तो मैं मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि ऐसे लॉकडाउन में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्धारित हैं नियम उनका पालन करें, असहयोग न करें, सभी देशवासी उसमें सहयोग करें। इसके अलावा मैं जो कालाबाजारी की भी रिपोर्ट आती हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं ऐसे असमय में उसका लाभ न लें, और हमारे देश की क्षेत्र की अपनी जहां तक हो समस्या का समाधान करें, और उचित मूल्य पर उनको सभी सामग्रियां उपलब्ध कराएं। जैसा कि रामजीलाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया है कि सभी लोग जितने भी जनमानस हैं, हर गरीब के लोगों जितने भी हैं, आप उनसे कालाबाजारी ना करें, गरीब लोगों को आप उनकी उचित मूल्य पर उनको जो भी सामग्री देकर उनका सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है इस महामारी से हम लोग बचने को तैयार हैं, और यही सहयोग से हम सब लोग संक्रमित बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। आप देख रहे हैं गजेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ, मैं हूँ देवेंद्र सिंह कुशवाहा, आगरा ग्रामीण, आगरा से।